हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम डायरेक्ट स्पीच में दिए गए ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, कैसे वो इनडायरेक्ट बनता है, क्या उसमें चेंजेस होते हैं, अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम समझेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो देखिए, चलिए समझते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो, इच्छा का भाव हो, किसी को शुभकामना देने का भाव हो, श्राप देने का भाव हो या आशीर्वाद देने का भाव जो प्रकट होता है, वही क्या होते हैं, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन वाक्यों में मे का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? मे का। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या ना, मे आपका शब्द नहीं दिया होता, उस समय हमें जो सेंटेंस है हमें उसके भाव को देखकर समझना पड़ता है कि ये आपको आशीर्वाद का भाव निकल के आ रहा है इसमें, या इच्छा का भाव निकल के आ रहा है, या शुभकामना का भाव निकल के आ रहा है, या श्राप का भाव निकल के आ रहा है। उस हिसाब से हम अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को हम बनाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं ये क्या लिखा है। कभी कभी क्या होता है, मे शब्द नहीं दिया होता है ना, बल्कि वाक्य के अर्थ से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद या श्राप का भाव प्रकट होता है, और उसी के हिसाब से हम क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट अपना बनाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या इसमें रूल्स लगते हैं, क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, कैसे ये चेंज होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच का। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट है आपका कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए से को, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, से आया हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसके अर्थ के अनुसार, उसके भाव के अनुसार, या तो हम विश में बदल देंगे, या हम प्रेम में बदल देंगे, या हम कर्स में बदल देंगे, या हम ब्लेस में बदल देंगे। देखिए, विश यानी कि आपका शुभकामना, प्रे यानी कि प्रार्थना, कर्स यानी कि श्राप, और ब्लेस यानी कि आशीर्वाद। कैसे बदलेंगे, आपको डायरेक्ट स्पीच का क्या देखना पड़ेगा, भाव देखना पड़ेगा कि इसमें क्या भाव आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से हम इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज कर देते हैं। अब देख लेते हैं रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या है हमारा, देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सैड या फिर सेट टू को, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, सैड या सेट टू दे रखा हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय है हम क्या सेंटेंस के भाव को देखकर किस में चेंज कर देते हैं सैड और सेट टू को, या तो हम विश्ड में चेंज कर देते हैं, विश्ड यानी कि शुभकामना। ठीक है, या फिर हम प्रेड में चेंज कर देते हैं यानी कि प्रार्थना, या हम ब्लेस्ड में चेंज कर देते हैं यानी कि आशीर्वाद, या फिर हम कर्स्ड में चेंज कर देते हैं यानी कि आपका श्राप, है ना। ऐसे हम चेंज कर देते हैं, उसके भाव को हमें समझना पड़ता है कि इसमें किस चीज़ का भाव आ रहा है। अगर आशीर्वाद का भाव आ रहा है तो ब्लेस्ड लगा देंगे, शुभकामना का भाव आ रहा है तो विश लगा देंगे, प्रेड का यानी कि प्रार्थना का भाव आ रहा है तो प्रेड लगा देंगे, और अगर श्राप का भाव आ रहा है तो क्या लगा देंगे, कर्स्ड लगा देंगे। ठीक है, अब रूल नंबर थ्री देखते हैं। देखिए, रूल नंबर थ्री में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या कि ये जो आपका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आता है, इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, डैट में चेंज कर देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में लगे इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज कर देंगे, हम डैट में चेंज कर देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। एक और रूल देख लेते हैं, रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर क्या कहता है हमारा, देखिए, रूल नंबर फोर कहता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में, ये जो आपका डायरेक्ट स्पीच है इसमें क्या है, ये अगर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो, अगर क्या मतलब ऑप्टेटिव ही होगा ये, है ना। डायरेक्ट स्पीच किस में हो, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो, तो इनडायरेक्ट हम किस में बनाएंगे, एसर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का अगर डायरेक्ट है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही इनडायरेक्ट बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच किस में हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो, तो इनडायरेक्ट हम किस में बनाते हैं, हमेशा एसर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। ओके, आई होप चीज़ समझ में आई हो। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या चीज़ कैसे चेंज करी गई है। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डायरेक्ट अपना क्या लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान करे क्या हो, तुम्हारी आयु बहुत ज़्यादा लंबी हो। अभी एक तरीके से देखिए आशीर्वाद भी हो गया है ना, भगवान से आप इच्छा भी जता रहे हो, विश भी कर रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो कि क्या करे उसे, कि उसकी आयु क्या करे, लंबी करे। तो इसे हम चेंज कैसे करेंगे, देखिए ही का ही आ गया। अब देखिए, इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये इसमें श्राप दे रहा हो, देखिए भाव से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कर्ज नहीं लगेगा। ठीक है, श्राप तो दे नहीं रहा, किसी की आयु लंबी कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो ब्लेस्ड कर रहा है, उसे उसको आशीर्वाद दे रहा है ना। तो यहाँ पे या तो आप ब्लेस्ड लगा दीजिए, या विश लगा दीजिए, दोनों में से कुछ भी लगा दीजिए। ठीक है, मी का मी आ गया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हमने चेंज कर दिया, किस में, डैट में चेंज कर दिया। देन हम किस में बनाएंगे, देखिए आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, इसको हम बनाएंगे एसर्टिव में। एसर्टिव में सबसे पहले क्या आता है आपका, आपका सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब ये यू है ना, यू मैंने आपको बताया था कि यू कहाँ से चेंज होता है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देख रखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो यू क्या करेगा, यू फटाफट से कूद के बराबर वाले का हाथ पकड़ लेगा। ठीक, अब जैसे ही इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा। ठीक है, मे को हम चेंज कर देते हैं किस में, माइट में। ओके,
और बाकी आपका यूँ ही आ जाएगा लिव लॉन्ग। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से बन गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, मे यू डाई, तुम मतलब क्या करो, मर जाओ, मे यू डाई, या ऐसे भी कह सकते हैं, गो टू हेल भी बोल सकते हैं इसमें आपका मे। अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें किसी सेंटेंस में तो मे दे रखा होता है ना, और किसी में नहीं दे रखा होता, तो आपको भाव से उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, मे यू डाई, कि तुम क्या करो, मर जाओ। अब देखो, मरने की बात कर रहा है तो सीधे वो श्राप ही दे रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा कि वो आशीर्वाद दे रहा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मर जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। अब जब मरने की कह रहा है तो क्या हो गया, वो श्राप हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सेट की जगह कस्ट लगा देंगे, ठीक है। ट्रस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम चेंज कर देंगे डैट में, देन अगेन हम यू को पकड़ लेंगे। अब देखिए, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता तो हम कुछ भी मान लेते हैं। अब हमने मान लिया, यहाँ पे मी मान लिया, ठीक है, उसके हिसाब से हमने आई चेंज कर दिया, ठीक है, मे को चेंज कर दिया, माइंड में और देन उसका यूँ कहीं आ गया, डाई का डाई आ गया, ठीक है, इस तरीके से हमने आराम से चेंज कर दिया, ओके। एक और देख लेते हैं सेंटेंस, देखिए, ही सेड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, क्या आपके लिए तुम्हें सक्सेस मिले एग्जाम में अपने, तो क्या कर रहा है, वो प्रेड कर रहा है भगवान से, है ना, तो क्या आ जाएगा, ही प्रेड दैट आई माइट सक्सीड इन माई एग्जामिनेशन। देखिए, वही फिर सेट टू चेंज हो जाएगा, किसमें, प्रेड में चेंज हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएगा आपका डैट में, देन यू अगेन फिर से हम वही देखेंगे, क्या आई आ रहा है, तो आई लगा देंगे, ठीक है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया आपका, आई हो गया, फिर मे चेंज हो जाएगा आपका माइंड में, देन पूरा यूँ का यहीं आ जाएगा, सक्सीड का सक्सीड आ गया, इनका इन आ गया। अब यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस आया था योर, लेकिन हमें यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस देखना है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा, ठीक है। क्या बन गया पूरा, ही प्रेड डैट आई माइट सक्सीड इन माई एग्जामिनेशन, बाकी यूँ का यहीं आ जाएगा। इस तरीके से ईजिली ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि सब्जेक्टिव केस, आपका पॉजिटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कैसे परसेंट चेंज किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, तो मैंने क्या कर ऑलरेडी से ये सब करा रखा है, सिखा रखा है, वीडियो मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।